नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एलसीडी मॉनिटर का एसएमपीएस खड़ा हुआ है। तो आज हम इसका फुल ट्यूटोरियल देने जा रहे हैं आपको। तो अगर आप एडवांस है या फिर बेसिक है तब भी आप इस ट्यूटोरियल को फुल देख सकते हैं, और फुल देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कनेक्शन कैसे बनता है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और सीख लीजिए जरूर। तो मेनली जो चीज होता है यहाँ पे सब कुछ मैं चेक करके दिखाऊंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा का पूरा एसएमपीएस रिपेयर कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो आपको पोगो देखना चाहिए, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर का लाइन आपके लिए नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल मैं आपको तरीका बताऊंगा, और 100% सक्सेसफुली आप काम कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, ये जो बोर्ड है मैं इसे रिपेयर किया था, ये बिल्कुल चालू बोर्ड है। और ये मॉनिटर का रिपेयरिंग वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए इस एसएमपीएस को हम कैसे चेक करें। तो एक्चुअली हम अगर इसमें से निकाले, मतलब मोटर से अगर ये बोर्ड को अगर निकाले तो बोर्ड ऐसे रहता है। तो बोर्ड अगर निकाले, निकालने के बाद हमको क्या करना होगा, ये जो कैपेसिटर का लीड है ये हाई वोल्ट 68 माइक्रोफैराड है, आप देख सकते 450 वोल्ट इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो इसका हम किसी भी मेटल चीज के जरिए डिस्चार्ज करेंगे, दोनों लेग को ऐसे एक साथ टच करके, ऐसे स्क्रू ड्राइवर से या फिर दूसरा ट्वीजर वगैरह, लेकिन ट्वीजर खराब हो जाते। तो इधर पहला जो चीज है एसी सेक्शन में, इसमें होता है एक एसी सेक्शन, और उसके बाद होता है डीसी, डीसी हाई वोल्ट सेक्शन, उसके बाद होता है स्टेप डाउन सेक्शन। तो ये है स्टेप डाउन सेक्शन, मतलब ये चॉपर की मदद से इसमें स्टेप डाउन हो रहा है। और एक अलग से चीज इसमें रहता है, हर एक मॉडल में नहीं रहता है, तो इसमें मौजूद है, ये होता है इन्वर्टर सेक्शन, ये सीएफएल के लिए दिया गया है। तो इसे भी हम समझा देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो कनेक्शन है ये कनेक्टर, तो ये कनेक्टर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कनेक्टर में आपको एक लाइव, एक न्यूट्रल, और ये बीच वाला जो कनेक्शन है ये अर्थ का है, मतलब ग्राउंड का। तो लाइव मतलब मेन से, मतलब फेज से आपका एक फ्यूज कनेक्टेड होगा, जो कि आप इधर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक मेटालिक चीज, दो साइड में यहाँ पे मेटालिक चीज लगा हुआ है, ये फ्यूज है। और इधर ये देखिए एक थर्मिस्टर है, ये न्यूट्रल के साथ लगा हुआ है। तो ये लाइव के साथ फ्यूज कनेक्टेड है, ये देखिए फ्यूज, और ये न्यूट्रल के साथ यहाँ पे एक थर्मिस्टर कनेक्टेड है। तो ये दोनों को पहला चीज चेक करना है कि अगर आपका मॉनिटर में पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो मतलब पावर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पे रखना चाहिए, मतलब ये डार्ड मोड में, मतलब बाजार मोड में आपको रखना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी मोड कहते हैं इसे हम लोग, तो कॉन्टिन्यूटी मोड में इसमें साउंड आना चाहिए ऐसे। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं ये आपका फ्यूज, तो इसमें भी आपका कॉन्टिन्यूटी मोड में भी साउंड आएंगे और एक ओम्स दिखाएंगे। और दूसरा जो चीज है आपका ये होता है थर्मिस्टर, थर्मिस्टर एक तरह के रेजिस्टेंस जैसा होता है कि इसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम, घर का सिस्टम या फिर आपका सबका सिस्टम बचा देता है ये थर्मिस्टर। मतलब ये दोनों तरफ से अगर वोल्टेज दे दिया तो तब भी कुछ बाढ़ नहीं होगा अलग से। तो मान लीजिए इधर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये थर्मिस्टर काम करेगा, या फिर हीट को भी ये थर्मिस्टर सेंस करता है तो उसके हिसाब से ये चलता है। तो थर्मिस्टर में भी दोनों लीड से आपका बीप आना चाहिए, आ रहा है, लेकिन इसमें 6 ओम शो कर रहा है। तो इसमें देखने की मतलब देखने की कुछ चीज है नहीं, सिर्फ देखेंगे इसमें बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फ्यूज में 1 ओम आएंगे। ओके, और ये तो गया ये कनेक्शन। और इधर कुछ अलग से चीज रहता है, और इसका मॉडल, मॉडल के जो नंबर है, मॉडल नंबर, तो ये भी मैं डालूंगा चार्टर में या फिर डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो 5-6 बनाने जा रहा हूं, क्योंकि एक अगर मॉडल का बना दिया एसएमपीएस का मॉनिटर का तो आपको शायद कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, पर मिलेगा।
और दूसरा अगर बना देता हूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये होता है एक नॉन पोलर कैपेसिटर। तो नॉन पोलर कैपेसिटर जो है इसे आप एसएमडी मल्टीमीटर से चेक कर सकते, लेकिन इसे डिस्चार्ज करने के बाद। और इधर ये देखिए दो लगा हुआ है रेजिस्टर, ये हाई ओम्स का मतलब मेगा ओम्स का रेजिस्टर होता है, और ये सीरीज में न्यूट्रल और फेज के साथ कनेक्टेड होता है, तो इसमें कुछ वैल्यू नहीं बनता है, ठीक है, सिर्फ इसे डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया है। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कॉइल का साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक साइड से एक साइड आपका बीप आना चाहिए। देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे दो ओम्स आ रहा है और इधर भी दो ओम्स आएंगे। अगर नहीं आते तो मतलब ये कॉइल अगर खराब हुए तब भी आपका ये डायोड काम नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद मतलब खराब। तो आपको ये कॉइल को शॉर्ट करने के बाद भी चलेगा, कॉइल अगर आपने नहीं लगाया और डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया इधर से इधर और इधर से इधर तब भी ये चलेगा। लेकिन कॉइल, ये इंडक्शन कॉइल हम लगाते हैं, बहुत काम है इसका, तो इसका बाद में समझाएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो में। और उसके बाद रहता है एक डायोड 4 पिन का रेक्टिफायर, कुछ मॉडल में रहता है 4 डायोड फुल ए ब्रिज रेक्टिफायर उसमें कहते हैं उसे। तो डायोड की नॉर्मल जो डायोड होते हैं उसमें एक साइड में मतलब ये जो प्रोब है इसे एक साइड से आपका उसमें वैल्यू आता है, दूसरी साइड से आपका वैल्यू नहीं आएंगे। अगर आता है या फिर शॉर्ट आते है तो वो खराब है। तो ये 4 पिन का जो डायोड है मैं दिखाता हूं, सॉरी, तो ये 4 पिन का जो डायोड है तो ये काफी डिफरेंट है लेकिन बहुत आसान है। तो इसका मान लीजिए पॉजिटिव साइड आपका एक नंबर पिन है, तो एक नंबर पिन के साथ पॉजिटिव में नेगेटिव प्रोब आपको लगाना होगा और ये 2 नंबर पिन पे आपका वैल्यू शो करेगा, इधर भी शो कर रहा है आप देख सकते हैं। देखिए पॉजिटिव जो आउटपुट हो रहा है उसमें मैं नेगेटिव का प्रोब लगाया तो इसमें आपका वैल्यू शो करेगा, तो ये सही है। लेकिन पलट के लगाने से इसका वैल्यू शो नहीं करेगा ये 4 पिन। देखिए लेकिन पलट के लगाने से पॉजिटिव में नेगेटिव प्रोब इसमें वैल्यू शो करता है, और इधर भी मतलब 3 और 4 नंबर पिन पे ये नेगेटिव साइड है तो मैं इसमें पॉजिटिव प्रोब लगाया तो इसमें वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन अगर पलट के लगा देते तो कुछ वैल्यू नहीं शो करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुआ है इसमें। अगर फ्यूज खराब है तो फ्यूज को भाई चेंज करना है, थर्मिस्टर अगर खराब है तो थर्मिस्टर को चेंज करना है। तो डायोड में अगर कोई फॉल्ट आया है चेक करने का तरीका, ये अच्छा वाला डायोड है तो मैं इसे चेक किया तो कुछ गड़बड़ आए, मतलब कुछ साइड से एक नंबर साइड से या फिर 2 नंबर साइड से अगर आपको बीप साउंड सुनाई दे या फिर वैल्यू पलट के चेक करने से भी वैल्यू नहीं आए तो इसे चेंज करना तुरंत। और उसके बाद आते हैं ये कैपेसिटर, मतलब ये डायोड के बाजू में ही रहता है ये कैपेसिटर और डायरेक्ट कनेक्शन इसका कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें ये जो प्लस का साइन है ये थोड़ा सा फुला हुआ होता है अगर खराब होते तो, इसमें थोड़ा सा लिक्विड का साइनिंग भी दिखाई देता है, अगर नहीं दिखाई देता तो ये सही है और फुला हुआ नहीं है तो सही है। तो ये इतना तक ये आपका हाई वोल्ट सेक्शन, ये भी हाई वोल्ट सेक्शन है लेकिन बाद में समझाता हूं। तो ये अगर सब सही निकला तो तब भी अगर आपका ऑन नहीं हो रहा है मॉनिटर तो आपको क्या करना है। तो देखिए इधर एक पावर आईसी है, इधर मोस्फेट भी रह सकता है 3 पिन का, लेकिन यहाँ पे 7 पिन का पावर आईसी है तो इसमें आपका 3 पिन का मोस्फेट भी मिल सकता है। ओके, तो इसे भी चेक करने का तरीका बहुत आसान है, और ये जो यहाँ पे पीए वगैरह लगा हुआ है तो ये आप इस एमडी से चेक कर सकते हैं। अगर चेक नहीं कर सकते तो मेरा दूसरा जो वीडियो है उसे जाके देख लीजिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें मैं कैपेसिटर को और पीए वगैरह जो है ना सबको मैं चेक करने का तरीका उसमें बता दिया। तो ये आईसी को चेक करेंगे या फिर इसमें अगर मोस्फेट है तो चेक करेंगे, तो उसके लिए हमको
ये जो हाई वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है 400 वोल्ट का, 450 वोल्ट का ही, यहाँ पे 400 से 450 वोल्ट होते हैं, ये 68 माइक्रोफैराड का है। तो इसकी दोनों लीड पे हम ये मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी मोड पे रख के लगाएंगे। अगर इसमें बीप साउंड सुनाई देता है तो ये आईसी शॉर्ट हो सकता है या फिर कैपेसिटर, लेकिन कैपेसिटर को हम लोग ने कंफर्म कर लिया। और उसके बाद आते आपका चौपर, तो ये कभी खराब नहीं होते ये चौपर, तो ये हाई वोल्ट टू लो वोल्ट कन्वर्टर है। तो यहाँ पे आपको 350 से 400 वोल्ट इसमें इनपुट हो रहा है और ये वोल्ट कन्वर्ट होकर इसमें लो वोल्ट में 12 या 5 दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। तो 12 वोल्ट किसके लिए होता है कि ये सीएफएल इन्वर्टर के लिए होता है और सिस्टम को चालू करने के लिए आपका देता है 5 वोल्ट। और दूसरा 2-3 चीज मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए इधर कुछ डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक डायोड है, तो डायोड को कैसे चेक करते हैं वो भी आपको जानना चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिए। इसमें अगर ये डायोड खराब हुआ है या फिर रजिस्टर खराब हुआ है तो तब भी इसमें ये सप्लाई ऑन नहीं होगा। और ये जो आपका चॉपर है, मतलब ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो ये ऑन नहीं होगा। और एक बात इधर देखिए, एक 4 पिन का कपलर, ऑक्टा कपलर कहते हैं हम इसे, तो ये भी अगर खराब हो गए तब भी आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। तो और एक बात, ये ऑक्टा कपलर 99% खराब नहीं होते, ऑक्टा कपलर 99% खराब नहीं होते, ओके। और ये चॉपर भी मैक्सिमम टाइम खराब नहीं होते, मैं देखा। तो हम लोगों को देखना है कि ये आईसी शॉर्ट है कि नहीं है। अगर फ्यूज उड़ जाता है तो ये एक आपको रिमाइंड करने की बात है, मतलब इसे रिमाइंड कर लीजिए। तो ये अगर फ्यूज उड़ गया है तो देखिए हाई वोल्टेज की वजह से भी फ्यूज उड़ सकता है और ये आईसी खराब होने से ये फ्यूज भी उड़ सकता है। तो तब भी हमको ये सेक्शन में शॉर्ट है कि नहीं है वो चेक करना होता है, ओके। और इसका आउटपुट, सबसे पहले हम लोग टाइम बचाने के लिए ये आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में आपका 2 डायोड होता है, तो यहाँ पे एक एनालॉग डायोड है, मतलब नॉर्मल डायोड है, लेकिन कुछ मॉडल में आपको दूसरी टाइप का डायोड मिल सकता है, जैसे कि 3 पिन का डायोड। मतलब आज रात तो वो 7:30 बजे तक मेरे पास आए थे, एक एलसीडी मॉनिटर का ये किट मैं रिपेयर कर दिया पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने उसमें तोड़ दिया था। देखिए अभी लगभग 1 बज गए हैं पर मैं डिनर नहीं किया, सॉरी इसके लिए। तो ये डायोड जो है ये डायोड में शॉर्ट हो जाता है, तो इसमें से एक डायोड में भी अगर शॉर्ट हो जाता है तो आपका ये जो ऑक्टा कपलर है ये बंद कर देगा इस चॉपर को या फिर इस आईसी को, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये डायोड सही है कि नहीं है, अगर आप तो डायोड चेक करते करना जानते तो इसकी एक साइड में आपका वैल्यू दिखेगा और दूसरी साइड में आपका वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन इधर लगाने के बाद, मतलब इधर अगर कनेक्टेड है तो अभी आपका ये आप चेक नहीं कर सकते अच्छे से क्योंकि दोनों तरफ से आपका वैल्यू आएगा। देखिए क्योंकि इसके साथ आउटपुट में इनपुट में सब कुछ कनेक्टेड है ना, तो इसके लिए ऐसा दिखा रहे, लेकिन अगर शॉर्ट बता रहे इसमें तो ओम बता रहे लेकिन ऐसे टी करके साउंड देता है तो ये खराब है, ओके। देखिए ये कैपेसिटर के लिए बीप साउंड दे रहा था ओके। तो ये दोनों डायोड सही है, तो पहले हम तो इसे चेक कर रहे हैं नॉर्मली तरीके से, लेकिन मेरे जैसा अगर आप काम करना चाहते हैं तो पहले ये डायोड दोनों डायोड को, यहाँ पे 3 पिन का बैरियर डायोड भी हो सकता है तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो तब इसमें से चेक करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ कंफर्म करना होगा कि इधर शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है, हाई वोल्ट सेक्शन में कुछ शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है, तो वो भी आपको देखना होगा। सिर्फ अगर आपने ये डायोड शॉर्ट है तो ये चेंज करके लगा दिया, ऐसे नहीं है भाई, 2 मिनट और भी खर्च करो कि एसी का हाई वोल्ट जो सेक्शन है या फिर डीसी का हाई वोल्ट जो सेक्शन है उसमें आपका शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है वो भी आप समझ लीजिएगा,
ओके, तो ये इतना तक आपको क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से। तो ये दोनों डार्ट में से अगर एक भी डार्ट फॉल्टी रहा तो इसे आप चेंज कर दीजिए, और इसको चेक करने का तरीका मैं बहुत सारा वीडियो में बताया। और उसके बाद आता है यहाँ पे आउटपुट का कैपेसिटर, क्योंकि इसमें मान लीजिए इसमें 5 वोल्ट आ रहा है या इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, या फिर इसमें 12 वोल्ट इसमें 5 वोल्ट। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या आते हैं। तो ये डार्ट में से 12 वोल्ट आता है, लेकिन 5 वोल्ट जो आता है तो वो थोड़ा सा इसमें से हाई वाट का होता है, क्योंकि 5 वोल्ट जो है वो आपका ये लॉजिक कार्ड भी चला रहे। ओके, और इसमें आपका इंडक्शन कॉइल भी रहता है। ये देखिए एक इंडक्शन कॉइल है, आप देख सकते हैं ये कॉइल कभी खराब नहीं होते, लेकिन ये ऊपर का मेटालिक पुट जाते, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये फेरिट्रॉइड है, फेरिट्रॉइड इधर भी है। तो दोनों में से एक का अगर निकाल दिया तो तभी प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब ये मेटालिक जो चीज है, मतलब ये मैग्नेटिक चीज, इसमें अगर मैग्नेट लगा दिए तो इसमें ये मैग्नेट काम करेगा। तो देखिए ये मैग्नेट लगा दिया, ये इसमें जम गया और इसमें भी जम गया। ओके, तो ये भी कई बार खराब होते हैं, मतलब कि ये टूट जाते हैं, पर ये मैन्युअली नहीं खराब होते। तो इसमें जो आउटपुट में कैपेसिटर लगा रहता है आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 कई भी हो सकता है, तो उसमें ये कैपेसिटर का जो लीड होता है वो फूला रहता है। तो उसे चेक करने का तरीका भी मैंने बता दिया दूसरी वीडियो में, तो उसे आप देख सकते हैं दोबारा और उसे आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद कोई कैपेसिटर अगर आपको फॉल्टी रहा, जो ऐसा कुछ कैपेसिटर होता है जो 1000 माइक्रोफैराडे है, तो उसे आप एसएमडी स्मार्ट टेस्टर से आप चेक नहीं कर सकते, तो मल्टीमीटर से आपको चेक करना होगा। दोनों तरफ से आपको ये इसमें कुछ वैल्यू चेंज होता है, मैं पहले वीडियो में बता दिया था, और चेंज होके आपका ये 1 में आता है, तो वो अगर नहीं हो रहा है तो उसे आप चेंज कर दीजिएगा। और उसके बाद आता है आपका ये इन्वर्टर सेक्शन, मतलब आपका सीएफएल या फिर बैकलाइट सेक्शन। तो ये है बैकलाइट के लिए, लेकिन नया जो मॉडल आ रहा है कुछ मॉडल में डायरेक्टली इधर से ये जो लॉजिक कार्ड है इसमें से आपका जा रहा है 12 वोल्ट डायरेक्टली, और 12 वोल्ट उसमें बैकलाइट उसमें बन रहा है उसके सर्किट की मदद से, मतलब एलसीडी के जैसे कि लैपटॉप का एलसीडी होता है तो उसमें से बन रहा है, लेकिन इधर एलसीडी नॉर्मल एलसीडी है पुराना वाला, इसमें सीएफएल कनेक्टर रहता है, जैसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे वाला कनेक्टर अगर आपके मॉनिटर में है तो उसमें आपको ऐसा जरूर इन्वर्टर सेक्शन होना चाहिए। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब ये भी एक तरह की चौपर है, तो इसमें 12 से 24 वोल्ट इनपुट होता है, ये तो 12 वोल्ट का है, लेकिन कुछ मॉडल मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 12 से 24 वोल्ट तक इनपुट होता है, और उसके बाद यहां से 1400 या फिर 2400 वोल्ट आपको आउटपुट देता है ये कनेक्टर से। ये दो कनेक्टर जो है, ये व्हाइट वाला कनेक्टर आपको शायद दिखाई दे रहा है अभी, तो इसमें से आउटपुट देता है, मतलब इसमें आपका 12 से 24 वोल्ट इसमें इनपुट हो रहा है, इसमें से 1200 से 2000 के ऊपर भी वोल्ट आपको मिल सकता है आउटपुट। और ये दो सीएफएल जो होता है ये सीरीज में रहता है, ठीक है। तो इधर से जो सप्लाई, मतलब ये सब कुछ सही है, आपका मोटर आपका चल रहा है, तब भी बैकलाइट में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आपका मोटर तो चल रहा है लेकिन उसमें मोबाइल का फ्लैश जलाने से, मान लीजिए कि ऐसे मोबाइल का फ्लैश अगर जला रहे आप तो उसमें आपका पिक्चर दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें बैकलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन चालू करने के बाद आपको 2 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड इससे भी ज्यादा बैकलाइट आ रहा है, और उसके बाद बंद हो रहा है। तो ये जो दो सीएफएल का कनेक्टर है ये सीरीज में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं इधर। तो ये अगर आपको मालूम नहीं है तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो, अगर नहीं करते तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं मानूंगा कि आप लोग सीख गए मेरे आगे। ओके, और इधर ये जो आईसी है ये बैकलाइट को कन्वर्ट करता है, और ये इस चॉपर जो है ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब चॉपर जो है इसे कंट्रोल करता है ये आईसी, और इस आईसी का जो पावर सप्लाई है मतलब इस आईसी को जो मेनली कंट्रोल करता है तो ये आईसी है। तो आपको दूसरा मिल सकता है या फिर मोस्टफेट मिल सकता है, लेकिन इधर ये आईसी है 8 पिन का, और इधर उसका मेन आईसी है इधर बैक साइड में एसएमडी के लिए, एसएमडी है।
तो इधर भी कुछ एसएमडी है, देखिए तीन पिन का ट्रांजिस्टर जैसा, यहाँ पे आपको रजिस्टर मिलेगा 102 105 करके नंबर। तो ये भी अगर इसमें से अगर 102 का आपका एक अगर रजिस्टर खराब हो गया तो तब भी आपका ये बैकलाइट ऑफ होने का प्रॉब्लम मसला रहेगा, तो इसे भूल जाइए। अब इधर देखिए जो लॉजिक कार्ड में सप्लाई दे रहा है, देखिए पहला ये 1+5 वोल्ट, उसके बाद +5 वोल्ट, मतलब दो जो रेड वायर है इसमें यह है +5 वोल्ट का, मतलब ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है। उसके बाद और एक ब्लैक का वायर है, तो ब्लैक वायर में दो वायर इसमें ग्राउंड है, देखिए दो ग्राउंड है इधर आप देख सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर का कनेक्शन ऑन और ऑफ, और उसके बाद ब्राइट, ये ब्राइट आपको डिम DIM भी लिखा देख सकते हैं आप, तो ये मसला आपको समझना होगा। तो ऑफ ऑन जो है वो है ये बैकलिट, मतलब ये जो CFL का कनेक्शन है इसे, ये जो चौपर है इसे ऑफ ऑन करते है इधर से, ऑन ऑफ या फिर ब्राइट। तो कुछ मॉडल में ये ब्राइट में आपका 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट सप्लाई मिलता है, ये लॉजिक कार्ड से होता है। तो इसमें अगर खराब हो गए तो आपको इसे काट के मैनुअली आपको 3.3 वोल्ट या फिर 5.5 वोल्ट या फिर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। तो वो आपका जो मॉडल अपने काम कर रहे हैं उसमें आपको उसकी हिसाब से काम करना होता है, क्योंकि हर एक कंपनी एक जैसा मॉडल नहीं बनाते। तो ब्राइट में मतलब डिम, ये मान लीजिए कि डिम है, तो इसमें कुछ मॉडल में आपको 5 वोल्ट देना पड़ता है, कुछ मॉडल में 3.3 वोल्ट देना पड़ता है, कुछ मॉडल में इसको ग्राइंड के साथ डायरेक्टली शॉर्ट करना पड़ता है, तो उसके बाद ये बैकलाइट ऑन होता है। लेकिन वो अगर डायरेक्टली अपने अगर रिपेयर कर दिया तब भी कैसा दिक्कत होता है कि अगर इसमें सिग्नल नहीं है, मतलब VGA केबल कनेक्टेड नहीं है, तब भी ये सिस्टम ऑन ऑफ नहीं होगा। इसका डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो तो चले जाएगा, लेकिन इसका बैकलाइट व्हाइट कलर के जलते रहेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, ये 22 मिनट का हो चुका है बकबक करते वक्त। और ऑफ ऑन अगर खराब हो गए तो तब आपका बैकलाइट ऑन होने का प्रॉब्लम आ सकता है, बैकलाइट कभी ऑन नहीं होगा या तो भी ऑन होगा, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो ये कॉम्प्लीट मैं आपको समझा दिया। अगर इसको आपको समझ में नहीं आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, और भी एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो ऑक्टा कपलर है भाई 4 पिन का, ये लो वोल्ट और हाई वोल्ट से दोनों तरफ से काम करता है। तो आप इसे देख लीजिए, एक साइड में आपका देखिए, मैं लाइट भी जला के आपको दिखाता हूं, तो एक साइड में आपका पॉइंट्स आपको दिख रहा है, 1 और 2 नंबर पिन का जो है इसमें एक गोल सा धब्बा है इधर, और ये ऑक्टा कपलर की इधर भी एक धब्बा है, लेकिन शायद आपको दिख नहीं रहा है। तो ये जो धब्बा है ये है आपका लो वोल्ट सेक्शन का, और 3 और 4 नंबर का पिन इधर है, तो ये हाई वोल्ट सेक्शन का है। तो इधर 1 और 2 नंबर मतलब ये प्राइमरी सेक्शन अगर काम नहीं करता है या फिर शॉर्ट हो जाता है तो ये चॉपर भी बंद हो जाएगा। और ये काम कैसे करता है देखिए, ये एक तरह की रेगुलर के जैसा काम करता है, या फिर ये जो चॉपर है मतलब ये स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है इसे भी कंट्रोल ये करता है, और ये डायरेक्टली ये IC पावर IC या फिर पावर MOSFET के साथ कनेक्टेड होता है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑक्टा कपलर डायरेक्टली इधर कनेक्टेड हुआ है, देखिए एक ही पिन से ऑक्टा कपलर में यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है दोनों पिन के। देखिए ये यहाँ पे एक आपका रजिस्टर लगा हुआ है 102, मतलब 1 के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे और एक कनेक्शन में सप्लाई दिया गया है, और ये इधर से कनेक्टेड है जो कि 2 डायोड के थ्रू आपका ये मेन पावर IC में आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक डायोड है और इस पिन से भी एक डायोड है, तो ये डायरेक्टली इस IC को कंट्रोल कर रहा है भाई, इस IC को, पावर IC को, और इसे MOSFET को भी आप कंट्रोल करेगा आपका। आप अगर देखे दूसरा मॉडल का मॉनिटर खोले तो ये ऑक्टा कपलर पावर का जो मेन MOSFET या फिर पावर IC है तो उसे ये कपलर कंट्रोल करता है। तो ये हो गया है। तो और कुछ चीजें होता है देखिए, जो जो खराब होता है मैं वही चीज समझाया,
और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई आप लोगों देखे इसे रिपेयर मत करे, ये मेरा रिक्वेस्ट है और प्यार से मैं बोल रहा हूँ भाई आपको, क्योंकि मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी दिनों से और मैं मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ। तो आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा मोबाइल किधर गया भाई, अभी टाइम कितना हुआ है भाई देखो, 1:03 हुआ है, मेरा अभी तक डिनर भी नहीं हुआ है, रात का थर्सडे 8 फरवरी अभी तक मेरा डिनर भी नहीं हुआ है। तो भाई आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई ऐसे कोशिश मत करो, आप दूसरा काम करो, क्योंकि ये आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर सूट कर रहा है तो भाई करो इस लाइन में काम, अगर नहीं कर रहा है तो मत करो। दूसरा भी तरीका मैं सिखाऊंगा आपको कैसे पैसा कमाए जाते, ठीक है? पैसा हर एक बंदा कमा सकता है क्योंकि आप इंसान हो, ठीक है? बिना चोरी किए भी आप कमा सकते हैं, उसका भी तरीका मेरे पास है, लेकिन ये मेरा पैसा नहीं भाई, पैसा और हर रोज मैं बहुत सारा खर्चा करता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, और मैं कुछ रिसर्च वगैरह करता हूँ तो उसके लिए भी मेरा खर्चा हो जाते, और उसके बाद मेरा खाने पीने का भी खर्चा नहीं रहता है, इतना भी दिन अभी भी देखना पड़ता है मेरे को। मैं YouTube से भी कमा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, मैं YouTube से भी कमा रहा हूँ और ये काम करके भी कमाता हूँ, लेकिन मेरे को खाने का भी पैसा, मतलब कभी कभी ऐसा दिन आता है कई बार कि भाई मेरे लिए वो जो पॉकेट मनी होता है वो भी नहीं रहता है, कई दिन ऐसा जाता है मेरे जिंदगी में, लेकिन मेरा पैसा नहीं भाई ये रिपेयर करना, तो इसीलिए मैं इसी लाइन पे हूँ और आप लोगों को फ्री में ऐसे बकवास करके सुना रहा हूँ, ठीक है? कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर में आपको नहीं मिलेगा ऐसा ट्रेनिंग, वो तो दिखाएगा भाई समझाएगा पर रिपेयर करके नहीं दिखाएगा, ये मेरा गारंटी है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ 100% लोगों से, ये मेरा गारंटी है भाई, मैं ये मुट्ठी को ऐसे जोड़ के बोल सकता हूँ भाई मैं इंडियन हूँ, सच्चा इंडियन है, 100% इंडियन, और इंडिया का ब्लड मेरे शरीर में बहता है, तो इसीलिए मैं ऐसे लड़ते जा रहा हूँ रात भर दिन भर। तो भाई अगर आप सीख नहीं पा रहे तो बुरा मत मानिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, आप बुरा मत मानिए, आप दूसरा काम करने की कोशिश कीजिए, और ये बकवास नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग सीख नहीं पा रहे, लेकिन जो लोग सीखे है तो उन लोगों को मेरा प्यार मेरा मोहब्बत उन लोगों के लिए बहुत बहुत बहुत, बहुत है, और उन लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो इसकी वजह से मैं रात भर सोने गया तो अभी मेरा नींद नहीं आता कि भाई उन लोगों को सिखाना है, तो उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो डालता हूँ, लेकिन भाई इतना फोन मत करो, ये भी मेरा रिक्वेस्ट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद गाली तो दे सकता है कोई बंदा, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ भाई ये अगर गलत है तो भाई चैलेंज करता हूँ मैं ऐसे चुटकी में, कोई बंदा कोई चुतिया ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? ये चैलेंज है मेरा, लेकिन मैं फ्री में ऐसा पूरा का पूरा डिटेल्स पूरा का पूरा सब चीज मैं समझाता हूँ और पूरा का पूरा आपके सामने काम समझाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बहुत कम होता है और मेरा जो मोटो है मेरा जो लक्ष्य है वो है भाई मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को रिसर्च करना है, और मैं ये सब्जेक्ट का ही नहीं हूँ, मैं एक पेंटर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मैं ये एक तरह के आर्ट समझता हूँ, क्योंकि इन्वेंशन मेरा पैसा है भाई, मेरा जो मोटो है वो है मेरा इन्वेंशन, तो इसलिए समझ रहा हूँ। और मेरा और एक मोटो है कि भाई देश को बदलना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, और हमको भी आगे बढ़ाना है दोस्त, देश को, हम देश में जन्मे हैं और ये देश आगे था सबसे पहले भाई, ये गलत नहीं है, मैं झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर इतिहास मतलब हिस्ट्री अगर समझते आप तो जरूर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे नाम पे आप कुत्ता पाल लीजिए भाई, ये मेरा गारंटी है। तो मेरा देश सबसे आगे था और सबसे आगे जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं ऐसा वीडियो डाल रहा हूँ, और अगर आपको बुरा लगे तो आप, मैं दिल से कह रहा हूँ आप इंडियन नहीं है, चैलेंज है मेरा चैलेंज, तो आप अगर सच्चे दिल से इंडियन है तो इंडिया को भी आगे बढ़ाइए और आप सीखते रहिए, ठीक है? ये मेरा चैलेंज है, मैं मेरा चैनल अगर कभी बंद नहीं होगा, जब तक बंद नहीं होगा मेरा चैनल तब तक मैं ऐसे वीडियो डालते रहूंगा और आप लोगों को सिखाते रहूंगा, ठीक है? और ये मेरा वादा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं भूत होके भी आपको मैं समझाऊंगा, सॉरी गाइस। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और दूसरा भी मैं वीडियो डालूंगा, डरने की कोई बात नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो दूसरा वीडियो में डाल के आपको समझाऊंगा, ठीक है? पर डरिए मत, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये लॉजिक कार्ड के बारे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में ये SMPS लॉजिक कार्ड और सब कुछ मैं समझाया था सब लोगों को, मेरा जो स्टूडेंट लोग आया है बाहर से, दिल्ली से,
मुंबई से और ये से बहुत आसपास से बहुत कुछ जगह से आया है, सब लोगों को मैं समझाया ये दोनों चीज के बारे में और भी कुछ समझाऊंगा। तो लॉजिक कार्ड का वीडियो कल बनाऊंगा क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है और मैं बहुत बकवास कर लिया हूँ। और भाई आई लव यू क्योंकि आप लोग मेरे साथ है और मेरा सब्सक्राइब भी बहुत सारा बढ़ रहा है, हर डे पर डे बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा उम्मीद भी कभी नहीं किए थे क्योंकि भाई अच्छा लोगों का कोई पोजीशन नहीं होता है, मैं पहले ऐसा मानता था, लेकिन आप लोगों का प्यार मेरे को बदल दिया है, मेरा दिल को बदल दिया है और मैं खुशी खुशी आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा दिल की बात है। और नेक्स्ट टाइम आपको महीने में एक या दो बार मेरा लाइफस्टाइल का वीडियो मिलेगा, ठीक है। और मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरा बीवी बच्चा भी है, उसके साथ भी मेरे को कुछ टाइम बिताना है, तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैं टाइम भी उन लोगों के साथ बिता नहीं पाता हूँ, तो इसके लिए भाई माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उन लोगों को। तो आप क्या मानते हैं कि देना चाहिए कि नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ इसमें। सो गाइस बाय बाय, मैं बकवास ज्यादा नहीं करूंगा, पर इस वीडियो में मैं जानता हूँ कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिलेगा क्योंकि कुछ लोगों का जलन होता है कि दूसरे लोग नहीं सीख पाए, तो ये उन लोगों का दिक्कत है, मेरा दिक्कत नहीं है भाई, मैं सच्चे दिल से 100% इंडियन हूँ। सो आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। सो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय गाइस। आप लोग आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, और आप मुट्ठी को ऐसे बंद कीजिए जय हिंद बोल के, और आप सीखते रहिए।